हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि ईंट भट्ठे कैसे लगाए जाते हैं। तो दोस्तों, गांव में अक्सर देखा जाता है कि जहां की मिट्टी ज़्यादा ऊंची नीची होती है या खेत के लेवल पे नहीं हो जाती है, तो वहां पर अक्सर यदि ईंट बनाने के लिए मिट्टी है तो वहाँ की मिट्टी ईंट बना के निकाला जाता है, जिसमें ज़्यादा मिट्टी ना होने की वजह से कभी छोटे भट्ठे या बड़े भट्ठे भी डाले जाते हैं। तो उन भट्ठों को किस प्रकार लगाया जाता है? गाँव में दो तरीके के ज़्यादातर भट्ठे लगाए जाते हैं। एक तो पंजा वाला भट्ठा है, जो कि चौकोर होता है चारों तरफ से एक बराबर, और एक दूसरा वाला भट्ठा है जो कि गोल होता है। तो गोल वाले भट्ठे में प्रायः नीचे वाले भाग में लकड़ियाँ डाली जाती है, जबकि वो पंजे वाला भट्ठा होता है उसमें भी नीचे में लकड़ी डाली जाती है। उसमें चूल्हा काटना पड़ता है, जो नीचे चूल्हा कुछ इस प्रकार होता है, और जबकि गोल वाले भट्ठे में नीचे वाले भाग में लकड़ी डाली जाती है, उसके ऊपर एक पट लिया जाता है। जबकि चौकोर वाले भट्ठे में भी इसी प्रकार डाला जाता है, उसमें भी दो पट लिया जाता है। उसके बाद यदि आपके पास कोयला है तो कोयला डाला जाता है, या फिर मुर्गी का वेस्ट या फिर अदर कुछ सामान उसमें डाल के उसको पकाया जाता है। तो गांव में छोटे भट्ठे इसी प्रकार लगाए जाते हैं, जिनको आप बिने कोयले से भी पका सकते हैं। यदि कोयला नहीं मिल पा रहा है या फिर नहीं बन पा रहा है कोयले के लिए बजट, तो इस प्रकार बिना कोयले से भी ईंट पकाई जाती है। क्योंकि यहाँ के भट्ठे छोटे होते हैं और जितनी मिट्टी निकलती उतनी ही बनाई जाती है, उससे ज़्यादा नहीं बनाया जाता, क्योंकि मिट्टी का निकास केवल खेत के आधार पर किया जाता है। और दोस्तों, टूट की बात की जाए तो गोल भट्ठे में काफ़ी कम टूट आती है, जबकि पंजे भट्ठे में या अदर भट्ठे में टूट कुछ ज़्यादा आती है। लेकिन पंजे भट्ठे में या फिर गोल भट्ठे जो बोला जाता है, जो गोल भट्ठा होता है उसमें खड़ी ईंट होने की वजह से उसमें टूट काफ़ी कम आती है। लेकिन इसमें पकाने के लिए आप मुर्गी का वेस्ट या कोयले का इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि पंजे भट्ठे में भी कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यदि इससे भी छोटा भट्ठा लगाया जाए तो रिंग भट्ठा डाला जाता है। दोस्तों, जहाँ रिंग भट्ठा डाला जाता है वहाँ की मिट्टी की क्वालिटी एवं ईंधन की कितनी मात्रा लेती है उसके आधार पर डाला जाता है। क्योंकि रिंग भट्ठे में यदि ईंधन की खपत ज़्यादा रहेगी तो रिंग भट्ठा सक्सेस नहीं रहता है, इसलिए तो इस प्रकार रिंग भट्ठे को लगाया जाता है। क्योंकि रिंग भट्ठे में केवल भूसा का इस्तेमाल होता है, जो धान का भूसा होता है जो राइस मिल में अक्सर निकाला जाता है, तो उसी को डाल के बस पकाया जाता है। क्योंकि उसमें अदर कुछ चीज़ नहीं लगता है, रिंग भट्ठे में केवल भूसा लगता है, तो उसी को डाल के पकाया जाता है। लेकिन उसमें भी एक नियमित साइज होनी चाहिए भूसा डालने के लिए, तो उसके साइज के हिसाब से ईंट की क्वालिटी एवं ईंट की पकावट आती है। इसमें उसमें कलर कितना चाहिए कितना चाहिए, तो उसके साइज़ के आधार पे इसको दिया जाता है, फिर उसमें भूसा भरा जाता है, उसके आधार पे ईंट की क्वालिटी आती है, जो कि मिट्टी का परीक्षण करने के बाद ही पता चलता है कि यहाँ की मिट्टी की क्वालिटी क्या है या यहाँ की मिट्टी कितना ईंधन ले सकती है रिंग भट्ठा डालने पर। तो कहा जाए तो रिंग भट्ठा सबसे अच्छा होता है, लेकिन बारिश के मौसम में यही सबसे ख़राब हो जाता है। क्योंकि बारिश में अक्सर में ये रिंग भट्ठा अक्सर गिर जाता है, क्योंकि नीचे की ईंट जो होती है तो कच्ची होने की वजह से पानी यदि जैसे जाता है तो ख़राब हो जाता है, या फिर उसमें आग आने के बाद उसको ढका नहीं जा सकता, और भूसे का उसमें डालन सुबह शाम रहता है, भूसा सुबह शाम डालना पड़ता है। इसलिए रिंग भट्ठा मौसम साफ रहने पर काफ़ी अच्छा होता है, और धूप निकले तो रिंग भट्ठा सबसे अच्छा होता है और सबसे सरल भी होता है। इसलिए अक्सर गांव में सबसे ज़्यादा रिंग भट्ठा ही डाला जाता है, क्योंकि इसमें झंझट वाला काम नहीं रहता है, केवल भूसा बस डालना पड़ता है, और जो भूसा कहीं भी अधिक मात्रा में अवेलेबल रहता है और काफ़ी अच्छे से मिल भी जाता है, जो कि काफ़ी सस्ता और आसान भी लगता है ईंट बनाने में और ईंट पकाने में भी। तो गाइस, बात की जाती है कि रिंग भट्ठे की क्वालिटी किस प्रकार आती है। तो गाइस, उसकी क्वालिटी उस भट्ठे के साइज़ पे डिपेंड है। यदि जितना बड़ा भट्ठा लिया जाए तो यदि नीचे बाहरी वाला भाग घेरा है जो यदि उसमें काम आता है, तो अंदर की जैसे रिंग आती हैं यदि अंदर वाले जैसे घेरे आते हैं वो भी काफ़ी अच्छे रहते हैं। इसलिए इसको जितना बड़ा हो सके उतना ही लगाया जाए, क्योंकि जितना बड़ा रहेगा तो बाहर की ईंट कुछ मंदी कलर में आएंगी, लेकिन जैसे ही अंदर की ईंट आने लगती हैं एक दो लेयर के बाद तो भी काफ़ी अच्छी होती हैं। लेकिन यदि छोटा भट्ठा लगाया जाए तो छोटा भट्ठा में थोड़ा ईंट के कलर कम ही आता है, इसलिए थोड़ा बड़ा ही भट्ठा डाला जाए जिससे काफ़ी अच्छी ईंट आए। तो दोस्तों, देखा जाए तो रिंग भट्ठा गोल भट्ठे या पंजे भट्ठे से काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन इसमें एक लिमिट ईंट ही पकाई जाती है, क्योंकि इसको ज़्यादा बड़ा नहीं लगाया जा सकता, या फिर इसको छोटा भट्ठा ही लगा के इसको सक्सेस किया जाता है। यदि ज़्यादा ईंट बनती है तो इसको रिंग भट्ठे को लगा के आप सक्सेस नहीं कर सकते। तो दोस्तों, कहा जाए तो रिंग भट्ठा सबसे अच्छा होता है गोल भट्ठे या पंजे भट्ठे की अपेक्षा, लेकिन इसमें एक ही प्रॉब्लम रहती है कि इसमें ईंधन यानी वही भूसा सुबह शाम डालना पड़ता है, जब तक कि यह पूरी तरह पक न जाए। और यदि लॉन्ग काम चल रहा है तो रिंग भट्ठा सक्सेस नहीं होता है, क्योंकि ये जगह काफ़ी लेता है और इसमें काफ़ी भरपूर टाइम सुबह शाम देना पड़ता है। इसलिए रिंग भट्ठा थोड़ा से काम के लिए काफ़ी अच्छा होता है, यदि आपका काम छोटा रहता है उसके लिए सबसे अच्छा है, यदि लॉन्ग काम है तो उसके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि एक भट्ठे में सुबह शाम यदि काम ही किया जाएगा तो अगला काम करते नहीं बनता। तो छोटे काम के लिए रिंग भट्ठा अच्छा है, यदि बड़ा काम हो तो उसके लिए गोल भट्ठे या पंजे भट्ठे लगाए जाते हैं, जो काफ़ी अच्छे होते हैं, उसमें ईंट भी ज़्यादा जाती है, जबकि रिंग भट्ठे में उतनी ईंट कम आएंगी, क्योंकि उसमें हॉल देना चाहता है
भूसा डालने के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि वो भट्ठा इतना सक्सेस नहीं रहता है यदि बड़ा काम किया जाए तो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।